Hey guys, welcome back to Pooja Bhalla's Kitchen. Today we are making भरवा भिंडी चटपटी मसाले वाली. So मैंने यहाँ पे हाफ के जी भिंडी ली है. इसको मैंने वॉश करके अच्छे से सोक कर लिया था कपड़े से, जिससे कि इस पे पानी ना रहे. So अभी हम इसका मसाला बनाएंगे. यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है. इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और थोड़े से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे. 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ. 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ. सब्जी मसाला ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप करें यूज, अदरवाइज इसको स्किप कर दें. 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ. धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसमें. 2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ. 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर. 1/4 टीस्पून मैं रेड चिली ऐड कर रही हूँ. रेड चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. और 1/4 टीस्पून मैं इसमें सॉफ्ट पाउडर ऐड करूंगी. सॉफ्ट पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है. अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें. इससे लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका. इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. Hey guys, welcome back to Pooja Bhalla's Kitchen. Today we are making भरवा भिंडी चटपटी मसाले वाली. तो आगे पीछे से हम इसको कट कर लेंगे, ये जो भिंडी का एक्स्ट्रा पार्ट होता है इस तरीके से. और इसको इस तरीके से बीच में से चीरा लगा के थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे. सो इसमें फिर हम मसाला भरेंगे. ऐसे ही हम सारी भिंडियाँ काट लेंगे अपनी. सो ये देखिए, इस तरीके से सभी भिंडियों में हमने कट लगा लिया. ये जो हमने मसाला बनाया था, इसको भिंडी में सब में सेंटर में भर देंगे इस तरीके से अच्छे से. सो ये देखिए, भिंडी हमने सारी भर के अपनी रेडी कर ली है. अभी हम इसको बनाएंगे. ये जो मसाला हमारे पास थोड़ा सा बच गया है, इसको हम भिंडी बनाने में यूज करेंगे. सो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया. अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाना भिंडी मसाला. इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ. आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, बहुत अच्छी बनती है मस्टर्ड ऑयल में. ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे. ऑयल अभी हमारा अच्छे से हीट हो चुका. इसमें मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी, ऐसे पतीता. और साथ ही में मैं इसके जो हमने भिंडी भर के रख रखी है वो ऐड कर दूँगी. स्टार्टिंग में आप सीधा सीधा रखें थोड़ा भिंडी को, तो मसाला नहीं निकलेगा, कुक हो जाएंगे, तो फिर हम इन्हें मिक्स कर देंगे. स्पैचुला से हल्का हल्का इसको मिक्स कर लें, जिससे ऑयल में कोट हो जाए. तो अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है. ऑयल इस पे कोट हो गया है भिंडियों पे अच्छे से. गैस को मैं मीडियम पे कर दूंगी अभी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे. सो आज मैं आपको टिप देना चाहूँगी एक भिंडी के लिए. यूजुअली जब हम भिंडी बनाते हैं तो भिंडी में बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि भिंडी जो है चिपचिपी बनती है, उसमें लेस आ जाता है बीच में. तो इसलिए होती है कि हम हमेशा भिंडी को ढक के बनाते हैं. तो हम भिंडी को अगर ढक के ना बनाएं, ऐसा खुले ही सिम गैस पर बनाएं, तो भिंडी में कभी भी लेस नहीं आएगा. तो मैं इसको आज बिना लिड के बनाऊंगी और ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए इसको सिम पे पकने दूंगी. सो ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो चुके भिंडी को कुक होते हुए. ऑयल भी अच्छे से रिलीज हो गया और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे जब भी बिना ढके, नॉन स्टिकी बनेगी, कभी भी स्टिकी नहीं होगी भिंडी आपकी. ये देखिए, अच्छे से गल भी गई है भिंडी हमारी. सो चलिए, भिंडी तो हमारी रेडी है, चटपटी सी भरवा भिंडी. अभी हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं. सो लीजिए गाइस, रेडी हमारी मसालेदार भरवा भिंडी. आप इसको रोटी के साथ, दाल राइस के साथ एज ए साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं. आप इसको बनाएं, ट्राई करें, फिर मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं. इफ यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.